हमारी जगह कब्जा कर लिया गया, उसको खाली करवा के हमें करा जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। वहाँ हमारी फैक्ट्री थी, हम लेडीज़ जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो मॉमडन है, दूसरे लोग हैं, तो हम लोग जा नहीं सकते वहाँ पे। और जो भी मशीनें सारी डैमेज कर दी हैं, ना हमारा पैसा दे रहे हैं वो। जो भी हमारी सुनवाई हुई, हमारा हमें अपना हिस्सा मिले, जो भी हमारी चीज़ का। मामला ये है कि यहाँ पर जो आपके राजीव चौहान जी हैं, उनके उन्होंने और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और हमारे जो करोड़ों रुपए मतलब लूट लिया एक तरह से देखा जाए। और उसी एवज में हमने पीछे कोल्ड में किसी को किराए पे दिया था, जो उसने अपने उसमें कब्जा कर लिया है मामला। रोज़ कोई ना कोई केस लगा देता है, जिसे हम कोर्ट कचहरी में भगते हैं। वो ये कहता है कि जो मैंने किराया इनका देना था, उसी पैसे से इनके ऊपर मैं केस कर रहा हूँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधि सबके पास, पुलिस के पास, प्रशासन के पास, आईजी सबके पास हम लोगों ने चक्कर लगा लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, और हम लोग मतलब भुखमरी के कंगार पे आ गए हैं। अगर गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, तो ये महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगी। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है, या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है, या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं, तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।